में डायबिटिक को लेकर बहुत भ्रांतियां है और इन भ्रांतियों को दूर किस तरह से करा जाए, हर व्यक्ति अपनी राय देता रहता है। हमारे साथ राजस्थान चैप्टर के जो डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी है उसके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं डॉक्टर के पारिक। हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि वरिष्ठ एवं सीनियर हैं, तो इनके होने की सीनियर हम इनसे जानना चाहेंगे कि ग्लूकोमीटर जो कि डायबिटीज को मापने का यंत्र है, उस यंत्र के अंदर काफी तरह के कई परेशानियां देखने को मिलती है, वेरियस डिफरेंसेस सामने आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, क्या ये जो डिफरेंसेस है किसी में 100 आ रहा है तो किसी में 150 आ रहा है, ये वेरिएशन है, ये क्या डायबिटिक ये ग्लूकोमीटर की कमजोरी है, कमी है, क्या है? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो शुगर नापने का, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही तरीका है, मतलब तरीके तो दूसरा ब्लड लेने का भी है नस से, पर ये जो ग्लूकोमीटर है वो सब जगह सब एक से है, अलग अलग कंपनियों के आते हैं पर ग्लूकोमीटर की जो टेक्निक है जो वो एक ही है सब में। जहाँ तक जो वेरिएशन आता है तो एक तो हमारे ब्लड ग्लूकोज में शुगर लेवल में भी वेरिएशन चलता रहता है, हर 5 मिनट पे, हर 10 मिनट पे, हर 2 घंटे पे। अभी एक नया एक डिवाइस आया है जो हमारे हाथ में लग जाता है, हाथ में लग जाता है तो वो 14 दिन की शुगर हर 15 मिनट में नपती रहती है ऑटोमेटिक। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें इतना वेरिएशन आता है, इतना आता है और हमको मालूम पड़ता है कि कब शुगर कम हो रही है, कब बढ़ रही है, खाने के बाद कितनी आ गई है, खाने के बाद कम हो गई है, तो उसी से सर्जरी के द्वारा फिट होता है। नहीं नहीं, अपने ऑर्डिनरी एक बांह पे लग जाता है, ब्रेसलेट की तरह, ब्रेसलेट की तरह एक अपने हाथ पे लग जाता है, इसको चिपका देते, नाव धो कुछ भी करो वो हटता नहीं है। तो वो फिर हमारे पास एक मीटर होता है जिससे वो हम नाप लेते हैं, पर आप भी वो लगाने के बाद अपने मोबाइल से जो दूसरा है मोबाइल, ये कौन से दो होते हैं ना, ये तो एंड्रॉइड मोबाइल, एंड्रॉइड, उससे उससे आप उसको जब भी चाहे एक उसमें ऐप लगा देते हैं तो उससे आप देख सकते हैं मेरी शुगर इस समय कितनी है, तो वो बहुत अच्छा है। उसमें बार बार प्रिक नहीं करना पड़ता, उंगली को बार बार नस से निकालना नहीं पड़ता। कॉस्टली आता है, वो आता है करीब 1500 रुपये का आता है और मीटर की कॉस्ट अलग होती है, तो शायद लेबोरेटरी वाले उसके 1800 या 2000 रुपये चार्ज करते हैं, पर उससे शुगर कंट्रोल, जिस आदमी का शुगर कंट्रोल दवाइयाँ देने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, उनका शुगर 200 जा रहा है, कभी 100 जा रहा है, उसी दवा से कभी 300 चला गया, पर वो जब उसकी रीडिंग आती है, जब हम 14 दिन की रीडिंग लेते हैं तो हम देखते हैं कि कब ज़्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है, हम दवाओं की और इंसुलिन की डोज उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं और उससे भी कम मात्रा पर उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर दो, जहाँ तक आपने कहा ग्लूकोमीटर के लिए, तो ग्लूकोमीटर का ये है कि 15% वेरिएशन स्टैंडर्ड वेरिएशन है, 15% आगे पीछे हो सकता है, किसी में 10%, किसी में 15%, और अपने जो ब्लड वेन से लेते हैं उसमें भी 5-7-10% का वेरिएशन हो जाता है। दूसरा, कई बार अपने ब्लड लिया फिर दूसरी जगह गए उसमें 15 मिनट लग गए, तब 15 मिनट में शुगर लेवल में फर्क पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें वेरिएशंस की बात करें तो वेरिएशंस पे कुछ ऐसी चीजें हैं और कुछ डायबिटीज के अंदर ऐसी बीमारियां हैं जिसे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट और इफेक्ट करता है तो पैरों पे करता है, पैरों पे होता है, आंखों पे होता है, किडनी पे होता है, तो पैरों के लिए सबसे पहले हम बात करें तो पैरों के लिए क्या बचाव का उपाय आप बताएं? देखिए, डायबिटिक फुट होता है, जिस डायबिटीज की वजह से जो पैरों की बीमारी होती है वो हमें मालूम ही नहीं पड़ती और वो चलती रहती है। वो क्यों नहीं मालूम पड़ती? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से, डायबिटीज लंबे समय से होने की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है पाँव में, तो हमें न गर्म का मालूम पड़ता, न हमें ठंडे का मालूम पड़ता, कंकड़ चुभता रहता है पाँव उसके जूते के अंदर, वहाँ घिसता रहता है और वो घाव करता रहता है, और घाव ऊपर से छोटा सा दिखता है जबकि अंदर वो कहाँ तक पहुँच चुका होता है ये हमें मालूम ही नहीं होता है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि जितने एक्सीडेंट में पाँव नहीं कटते उससे ज़्यादा डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से, पाँव की बीमारी की वजह से एम्पुटेशन होते हैं, इतनी खतरनाक है। तो ये सब, जैसे आँखों को रेटिनोपैथी होती है, पाँव की न्यूरोपैथी होती है या हार्ट डिजीज़ है, सारी जो दिक्कतें हैं वो डायबिटीज़ की में जो नसें उनमें बहाव कम होने की वजह से हो जाता है, क्योंकि नसों में
खून का दौरा कम हो जाता है, खून की सप्लाई नहीं होती, तो नेचुरली डायबिटीज में एक बात और देखने में आती है, क्लॉट जैसी बनने की बीमारियां, सर पे क्लॉट बनना, इस तरह की चीजें भी कई बार देखने में आती है। कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज की, ये स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशंस है, हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस है और हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस। इनके लिए क्या किया जाए? इनके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम पहले हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है, हमारा खाने पीने का, हम हरी सब्जी खूब लें, फल लें, हम तेल की चिकनाई की चीज़ें बिल्कुल ना लें, हम शक्कर से दुश्मनी मोल ले लें, हमें झांकना ही नहीं है सफ़ेद चीज़ की जगह।